press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आपको दिखेंगी भारत की तरफ से नाजिया खान जी और पाकिस्तान की तरफ से लुबना ज़ैदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाजिया बहन, ये लुबना जी हैं, ये इनके जो फोर फादर्स थे वो उनका तल्लक इंडिया से था, और जो इनके फादर और मदर हैं उनका तल्लक पाकिस्तान से। अब ये बरतानिया के अंदर हैं, और जिस तरीके से आप बात करती हैं सेम उसी स्टाइल के अंदर ये वहाँ पर बात करती हैं। ये समझे कि ये इंग्लैंड की शेरनी है और भारत की शेरनी है। हेलो, नाइस टू मीट यू टू। हाँ, आपने बोला मैं फॉरेन आ जाऊं, तो मैं फॉरेन आई हूं। जितनी जल्दी बच्चों को मैंने सेटल करके मैं दौड़ के आई। मैं चाह रहा था कि दो शेरनियां मेरे दाएं और बाएं, दो शेरनियां हो और मैं दरमियान में बैठा हूं। तो आप जरा आपस में जरा थोड़ी सी गपशप लगा ले अपने बारे में, जरा नाजिया जी को बता दे लुबना जी। मैं लुबना को ये बात जरूर कहना चाहूंगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 33 मिनट्स, तो मैं लुबना को जरूर कहना चाहूंगी कि लुबना, यू कैन इनवाइट मी पर्सनली विथ अ वेरी डायनामिक टॉपिक, विथ अ वेरी करिश्मेटिक टॉपिक, एंड वी विल कन्फ्रंट, वी विल डिस्कस, वी विल चिट चैट प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली। चले, बहुत शुक्रिया। देखे आप, ये मैं आपका ये समझा कि मेरी वजह से आप दोनों की एक नेक्स्ट जो है आगे बातचीत चलती रहेगी। तो आप इनका चैनल, आप चैनल देखिए इनका, बहुत जबरदस्त बात करती हैं, बहुत ही खुल के बात करती हैं। और लुबना के शक्ल से, फीचर से भी मुझे समझ में आ रहा है कि बंदी दहाड़ती होगी। और जैसे आपको धमकियां मिलती हैं सेम वैसे इनको भी धमकियां मिल रही हैं वहां पर। बट शी इज वेरी लकी ना, इंग्लैंड में बैठी हुई है। अरे भाई, यहाँ पर भी बहुत ही अजीब किस्म के सब पागल आ चुके हैं, इसी वजह से मुझे भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये ना किसी को रिस्क लेना खामखा में ऑफकोर्स अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं औरत भी हूँ, मैं सिंगल पेरेंट भी हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मगर बात ये कि हालात यहाँ पर इतने खराब हो चुके हैं कि अब अगर आप नहीं कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुझे ना, हमें खुद नुकसान होगा ना फिर, क्योंकि रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है पाकिस्तानियों की भी और मुसलमानों की भी यूके में, और जो बाकी के सारे जो मुल्क हैं यूरोप के वो यूके की तरफ देख रहे हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो और यहाँ पर काफी हालात खराब हो चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप अपनी आवाज उठाएं, कुछ सही बात भी कर रहे हो तो लोग धमकियां देते हैं, मगर मैं उसको ये समझती हूँ कि सिर्फ कमजोर लोग धमकी देते हैं, क्योंकि जो सही लोग हैं उनको धमकी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको अपनी बात पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम सही बात कर रहे हैं। इसी वजह से मैं भी बात करती हूँ, इसी वजह से आप भी बात कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है आप सही चल रही हैं, सही बोल रही हैं। लुबना का नंबर मुझे शेयर कीजिएगा मुजफ्फर भाई, और हम लोग मंडे या ट्यूसडे डेफिनेटली, क्या हो रहा है इंग्लैंड में, इवन आई एम सो मच इंक्विजिटिव नाउ कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है। तो जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं वही चीज, और मुझे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि यार कनाडा में भी ये लोग हरकतें कर रहे हैं, हमें समझ, हमें पता नहीं था ये पूरी दुनिया में बदनाम है ये लोग, तो मेरा चैनल देखते हैं तो नॉर्मल लुबना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग जहां भी रहेगा, ये अपने देखो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं चेंज हो सकता है इंसान का, तो इनका भी कभी नहीं चेंज होगा। हाँ, इनको हम अपने से दूर रखें तो ज्यादा बेटर होगा, मगर हम जितना भी दूर रखें वो लोग बार बार हमारे तरफ आ रहे हैं, तो अब हम अवॉइड भी नहीं कर सकते है ना, अवॉइड नहीं करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और डेफिनेटली बहुत खूबसूरत टॉपिक है लुबना के पास, और मैं चाहूंगी कि मैं लुबना के साथ जरूर मंडे या ट्यूजडे बैठूं और हम कनाडा पर और इंग्लैंड पर और अभी जो इसराइल में हो रहा है उसको लेकर के हमें खूबसूरत कन्फ्रंटेशन और डिस्कशन करें। अच्छा, और नाजिया जी, ये बड़ी बात है कि ये कहती हैं कि जी मुझे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, हालांकि एक दफा भी इंडिया नहीं आई, एक दफा भी इन्होंने विजिट नहीं किया, कह रहे कि मुझे इंडिया पसंद है पाकिस्तान से ज्यादा। अब ये वजह पता नहीं क्या है कि बगैर देखे किसी से प्यार हो जाना, ये तो वही बात है।
मैंने भी आज तक ब्रैड पिट को नहीं देखा है, पर मैं इतना मोहब्बत करती हूँ कि अभी मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। देखो मेरा जो है ना बात ये है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जो पार्टीशन हुआ था तो वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे, तो हम लोग पहले से पाकिस्तान में नहीं थे, तो मेरे जो हेरिटेज है वो तो इंडिया की ही है, उत्तर प्रदेश की है। तो मेरा जी तो मेरा फील होता है, मुझे काफी लिंक वहीं से फील होता है, और मुझे पाकिस्तान से मुझे कुछ भी फील नहीं होता, हालांकि मैं इतनी दफा गई हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है मुजफ्फर भाई कि हम किसी चीज को अगर कभी नहीं देखे तो उससे मोहब्बत ना हो। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार लाइव पर कर रही हूँ कि मैं ब्रैड पिट से इतनी मोहब्बत करती हूँ पर कभी नहीं देखी हूँ। नहीं फीलिंग ऑफ कोर्स एक होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी ने अपने नाम इतना खराब करा हुआ है पूरी दुनिया में, और मुझे कभी खुशी नहीं हुई टू बी ऑनेस्ट ना पाकिस्तान जाके ना पाकिस्तानियों से मिलके। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अच्छे लोग नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को खुद अपनी ऊट पटांग हरकतों से निकलना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना मुल्क खराब नहीं कर रहे ना अपने मुल्क का नाम, ये लोग बाहर के मुल्कों में जाके भी वही गंद मचा रहे हैं कंसिस्टेंटली एक ही तरीके से। तो ऑफकोर्स ऐसे थोड़ी चल सकता है, हम लोग सब क्यों बर्दाश्त करें भाई। अच्छा लुबना जी, जो जाकिर नाइक ने वो एक हरकत की थी, आपने देखा स्टेज के ऊपर जो एक यतीम बच्चियों को उन्होंने शील्ड देने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? आप लोग बात करें बिकॉज मेरा नेशनल न्यूज है तो मैं उस पर निकल रही हूँ, पर मैं लुबना का नंबर आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा और मैं लुबना से बात करके उनके साथ बैठूंगी। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, माता की जय, नाइस टू मीट यू। जी जो वो थे मैं एक और चैनल पे भी आई थी कल, तो उसपे भी मैंने यही चीज बोली थी कि मुझे काफी अफसोस है उनकी हरकत पे, और मैंने उनको काफी सालों से फॉलो करा नहीं, पहले मैं फॉलो करती थी उनको जब बहुत साल पहले 10-15 साल पहले, जब मैं ऑफकोर्स इंस्पायर हुई थी उनसे कि वो कितने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि यार इनको हिंदुइज्म के बारे में भी पता है, दूसरे मजहबों के बारे में भी पता है, और रेफरेंस देते हैं, तो ऑफकोर्स सब लोग उनसे काफी खुश हुए थे, पूरी दुनिया में काफी इंप्रेसिव थे वो। मगर जैसे ही इनकी इन्होंने अपनी एक तो एक्सट्रीमिस्ट पे उनकी व्यूज गए हैं, फिर उनकी व्यूज सुन के दूसरे लोग गलत तरीके से इंस्पायर हुए हैं, वो डिसअपॉइंटिंग था काफी। फिर अभी भी इन्होंने जो हरकत करी बहुत ही घटिया हरकत थी, कि वो जो हैं उनको उनके लिए स्टेज पे आना कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हजार दफा आ चुके हैं स्टेज पे, मगर जो छोटी बच्चियां थी उनको शायद पहली दफा होगा कि किसी ने उनको इज्जत दी और वो स्टेज पे आई, और इज्जत पहली दफा दे के फिर बेइज्जती करी गई, तो ये देख के बड़ा अफसोस हुआ। और इसी वजह से बोला जाता है कि सिर्फ अगर आपको गलत फहमी है कि आप रिलीजियस बन चुके हैं, रिलीजियस बनने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा इंसान बनने के लिए इंसानियत जरूरी होती है, उन्होंने ये दिखाया कि उनके अंदर इंसानियत तो है ही नहीं भाई, तो फायदा क्या? आप नमाज पढ़ने अच्छी बात है, आप दूसरे जो इस्लाम में चीजें लिखी वो कर रहे हैं, मगर जब इंसानियत पे चीज आ रही है आप यू फॉलिंग शॉर्ट, तो फायदा क्या फिर? तो मुझे बड़ा अफसोस है, मैं दुआ मांगती हूँ लड़कियों के लिए कि उम्मीद है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है गया नहीं हो, और यू नो मैं दुआ मांगती हूँ कि उनके लिए आगे जाके अच्छा हो और वो मायूस ना हो, अपना होप जो है वो और मोटिवेशन उनका जाए ना इस इवेंट के वजह से। और डॉक्टर जाकिर नायक और इस टाइप के जो लोग हैं बहुत ही बड़े हिपोक्रेट्स होते हैं, वैसे तो खूब आपने भी देखा है, दूसरे लोग भी बोल रहे हैं कि एयर होस्टेस से मिलने में और वो सब चीजें करने में तो कोई मसला नहीं है भाई, इनको क्या करना था, इनको ओवर एक्टिंग करनी थी स्टेज पे जाके, उनको कोई ड्रामा करना था, उनको पता था यार कोई उनको आवाज कर इतना कोई खास ये न्यूज में है नहीं, पाकिस्तान जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो हो रहा था कि अच्छा पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वहां पर जाके कोई ऐसा ड्रामेबाजी उनको करनी थी कि थोड़ा सा लोग उनको व्यूज दें और उनके बारे में दोबारा ये रेलेवेंट हो जाएं और पॉपुलर हो जाएं, इन्होंने इस वजह से ये शायद हरकत करी है, क्योंकि वरना इसमें कोई या तो फिर माइंड मुझे अफसोस से बोलना पड़ा, या तो इनकी खुद की जहनीत इतनी गंदी है कि इनको लगा शायद इनका जो है वजू टूट जाएगा छोटी बच्चियों को स्टेज पे लाके, ऐसा ऐसे कोई गंदी सोच होगी इनकी, क्योंकि मैं हैरान हुई कि ऐसी सोच भी नहीं कैसे सकते, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा बुजुर्ग आदमी इतना जो है ऐसी बात सोचेगा और इतना उनका खुद का हालत खराब हो जाएगी, उनको स्टेज से हटना पड़ेगा तौबा तौबा, तो उनकी खुद की गंदी जहनियत इससे पता चलती है, और या तो फिर ये सटिया चुके हैं कम्प्लीटली, और जैसे इंसान बूढ़ा होता है उनको उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा और इनका उनको चेकअप कराना चाहिए, या तो फिर ऐसी चीज है भाई, तो किसी भी ऑप्शन भले कुछ भी हो जो जो भी वजह हो को वो कोई अच्छी अच्छी वजह नहीं हो सकती है,
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पूरी डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और हम जल्द इंतजार करेंगे कि जल्द ही नाजिया खान जी और लुबना जैदी के बीच में एक जबरदस्त डिस्कशन हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।